आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि आप काबिल हैं। दिमाग से ही सारे खेल शुरू होते हैं, इसलिए आपको क्या चाहिए इतना जान लेना ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए मैरी फॉरलियो की बुक एवरीथिंग इज फिगुरेटेबल की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता, लेकिन सपनों को पूरा करने में हमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। कुछ लोग इन्हें देखकर भाग जाते हैं, लेकिन राइटर इस बुक के अंदर हमें एक अलग नजरिए से जान पहचान करवाते हुए कहती हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जिन सपनों को आप अपने बिलीफ और अपने मनोबल से सींच सींच कर बड़ा करते हैं, उन्हें आप पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उससे बाहर आना मुश्किल है, तो यकीनन ये बुक आपके लिए है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, लेसन्स फ्रॉम ट्रॉपिकाना ऑरेंज। राइटर की माँ बहुत ही टैलेंटेड थी। वो अपने बचपन की बात करते हुए कहती हैं, उनके घर में पैसों की तंगी के चलते उनकी माँ छोटी छोटी चीजों को खुद ही रिपेयर कर लिया करती थी। उन्हें रेडियो बहुत पसंद था। एक बार की बात है कि उन्होंने पैसे बचा बचा कर ट्रॉपिकाना ऑरेंज से एक रेडियो खरीदा, और तब से राइटर का विश्वास और भी पक्का हो गया कि हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे दर्द हैं, जैसे हम किसी प्यारे को खो देते हैं, हमारी जॉब चली जाती है, लेकिन इस मुश्किल समय में हार ना मानकर और सिचुएशन को एक खास तरीके से हैंडल करते हुए हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। राइटर कहती हैं कि आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हो, अगर आपने ठान लिया है कि आपको कैसा इंसान बनना है, तो फिर आप अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए हमें सेल्फ डाउट जैसे इमोशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे हर मुश्किल का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अनेकों सॉल्यूशंस होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसके बदले में बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। इस फिलॉसफी का कहना ये नहीं है कि आप लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को भूल ही जाएं या फिर उन्हें इग्नोर ही कर दें, बल्कि ये कि आप हौसले से उसका सामना करें। चैप्टर 2, चेंजिंग योर माइंडसेट। जीवन में कोई नई कला सीखना आसान नहीं होता, जैसे नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना, डांस क्लास में डांस सीखना। ऐसी चीजों को सीखने के लिए पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। इस फिलॉसफी को आप अपने जीवन में लागू कर अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कितना छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। राइटर हमें समझाते हुए कहती हैं कि हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना होगा। दिमाग का विकास तभी होगा जब हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। हम इसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लिक करने से ही आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन यहाँ बात नेगेटिव सोच की हो रही है। आपको डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन डरिए मत, ये बहुत आम सी बात है। आपको अपने दिमाग के इन वायरसेस को चेक करते रहना है। मन में इन विचारों का आना, जैसे मुझे तो पहले से आता है, मैं इस काम को नहीं करूंगा, ये काम मेरे लिए नहीं बना है, ऐसी सोच को रोकना इम्पॉसिबल है। जरूरी ये है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें। शायद कोई काम आपको पहले से ही आता हो, लेकिन उसमें भी सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी होगा। आपको नहीं पता कि अगर आप खुद को नए आइडियाज के लिए ओपन रखते हैं तो आप क्या कुछ सीख जाएं। आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि आप काबिल हैं।
आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को इस कैसे का जवाब देना जरूरी है। छोटे छोटे कदम हमें बहुत आगे की ओर ले जाते हैं, इसलिए कभी भी नेगेटिव सोच को खुद पर हावी ना होने दें। आपका एक ही काम है और वो है नेगेटिव सोच से उभरना, बाकी सब अपने आप आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बन जाएगा। चैप्टर 3, द मैजिक ऑफ बिलीफ। राइटर कहती हैं कि अपनी 20s में ही वो ग्रेजुएट होकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ही अच्छी जॉब करती थी। उन्हें अच्छी सैलरी, रहने की फैसिलिटीज सब कुछ दिया गया था, फिर भी उन्हें कहीं न कहीं अपने काम से संतुष्टि नहीं थी। वो इस जॉब से हटकर कुछ अलग करना चाहती थी। यही सवाल वो चर्च में खड़े होकर भगवान से पूछती हैं। वो असल में एक कोच बनना चाहती थी, लेकिन उनका मानना था कि 23 साल की लड़की की कौन सुनेगा। मगर एक दिन वो अपने सारे सेल्फ डाउट्स को पीछे रखकर 3 साल का एक कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं। उन्हें फेमस वोग मैगजीन में काम मिलता है। वो अपनी पुरानी जॉब को छोड़ देती हैं। 2 साल बाद वो रियलाइज करती हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। विश्वास दिखाई नहीं देता, बल्कि कहीं छिपा होता है, जो असल में हमारे जीवन को चला रहा होता है। दुनिया में कुछ भी संभव ना होता अगर पहले उसकी कल्पना ना की गई होती। ये सोचने की ताकत ही है जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है। यही एक ताकत है जो हमारे जीवन को बदलती है। राइटर कहती हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स इतने सारे दुखों को किस तरीके से सहन कर लेते हैं। उन्हें ये सिखाया जाता है कि दुख जीवन का हिस्सा होता है। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि उनके बिलीव्स इतने मजबूत होते हैं जिनसे उनके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनमें इतना धैर्य पैदा हो जाता है कि वो दर्द को पूरी तरह से रोक पाते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार मौका होता है अपने अंदर ज्ञान के रंग को समाने का। ऐसा ही एक मौका दिया है हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर कुकू FM ने, जिनका ऑडियो शोज और ऑडियो बुक से भरा रंगीन गुलदस्ता आपके जीवन में ज्ञान के रंग को भर देगा। कुकू FM, जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, मदद करेगा आपको अपने आप को ढूंढने में, नई हैबिट्स बनाने में और रंगों से भरा एक खुशहाल जीवन जीने में। ऑडियो बुक्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू FM पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप होली 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। तो अपने फोन पर कुकू FM मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके गोल्स और ऐसी ही ढेर सारी बुक समरीज को सुनकर अपने जीवन को ज्ञान के रंग से भर दें। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च तक वैलिड है। तो देर मत कीजिए और होली 50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में जादुई बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 4, एलिमिनेट एक्सक्यूजेस। इस चैप्टर की शुरुआत राइटर एक प्रश्न से करती हैं। वो पूछती हैं कि आपने लाइफ में कितनी बार सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया होगा, लेकिन होता ये है कि जैसे ही अलार्म बजता है आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। कभी कभार जल्दी उठना बहुत आसान होता है, लेकिन ज्यादातर मुश्किल ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब सवाल के अंदर ही है। हमारे दिमाग में पहले से ही सारे जवाब मौजूद हैं, मगर हमारी नेगेटिव सोच ही है जो इसमें रुकावट डालती है। इसलिए अपनी सोच में नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा को बदलकर मैं कर लूंगा, मुझसे होगा ये कर लें। जब कभी भी आपके दिमाग में ये विचार आए कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे की बहुत कमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस काम को शुरू कहाँ से करूँ, तो आप समझ जाइए कि आप बहाना बना रहे हैं। जब आप एक बार काम को शुरू कर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। चैप्टर 5, हाउ टू डील विद द फियर ऑफ एनीथिंग। जब हम बहानेबाजी को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं तो फिर डर का खौफ सताने लगता है। इसलिए राइटर कहती हैं कि वो छुट्टियों में अपने दोस्त जॉश के पास रहने के लिए गई थी।
उनके दोस्त के पास एक स्कूटर था, लेकिन उन्हें पता था कि एक अच्छी ड्राइवर बनने के लिए उन्हें खुद स्कूटर चलाना सीखना होगा, इसलिए वो स्कूटर लेकर सीखने के लिए निकल गई थी। कई बार गिरने के बाद आखिरकार उन्होंने स्कूटर चलाना सीख ही लिया। हम सबके जीवन में ऐसे पल आ सकते हैं, इसलिए गलतियां करने से कभी डरना नहीं चाहिए। आमतौर पर डर सभी को लगता है, इसलिए डर को भगाने का क्या तरीका हो सकता है? इसका एक ही तरीका है कि हम काम करें। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा दिल घबराता ही रहेगा और हमें डर लगता रहेगा। तो आखिर डर को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप किसी ऐसी चीज से डर रहे हैं जिससे डरना जायज है, तो आप उसे किसी पन्ने पर लिखकर रख लें। इसी के साथ वहां ये भी लिखें कि उस डर का सबसे बुरा असर क्या हो सकता है। ऐसा करने से आप उस सिचुएशन को समझने लगेंगे और कुछ समय बाद वो डर अपने आप कहीं गायब हो जाएगा। किसी भी तरह के डर के साथ डील करने का एक ही तरीका है कि हम उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और अपने काम के ऊपर ध्यान दें। चैप्टर 6, डिफाइन योर ड्रीम्स। दिमाग से ही सारे खेल शुरू होते हैं, इसलिए आपको क्या चाहिए इतना जान लेना ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स के पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जरूरी नहीं है कि वो कारण बड़ा ही हो, वो छोटा सा भी हो सकता है। लेकिन जब हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का फैसला नहीं ले पाते, तब हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राइटर कहती हैं कि उन्होंने सोचा था कि कॉलेज में जाने के बाद ही वो अपने लक्ष्य को लेकर फैसला लेंगी। इस बीच उन्होंने कई काम भी किए थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कोसों दूर थीं। तब उन्होंने खुद से सवाल किया कि वो अंदर से क्या करना चाहती हैं। इसके बाद उन्हें पता चल गया था कि वो तो आर्टिस्ट बनना चाहती थीं। तब उन्हें एहसास हुआ था कि उन्हें खुद से ये सवाल बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जीवन में किसी भी गोल को पाने के लिए सही समय में सही फैसले लेने बहुत जरूरी हैं। सपनों को पूरा करने के लिए कई रिसर्चेस हो चुकी हैं। उनमें ये दावा किया गया है कि गोल्स को लिखकर रखने से उन्हें पूरा करना 42% तक आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को लिखकर रखने की कोशिश करें, उसे हर रोज देखें। एक दिन वो लक्ष्य आपको सच होते हुए नजर आएगा। चैप्टर 7, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? हो सकता है कि अभी इसका जवाब आपके पास ना हो। जब यही सवाल राइटर से पूछा गया था, तब उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन डांस में अच्छी होने की वजह से उन्हें डांस टीचर की जॉब मिल गई थी। एक दिन डांस क्लास के दौरान ही एमटीवी के लिए शो बनाने वाले का ध्यान उनके ऊपर गया। उसने उन्हें एक शो होस्ट करने का ऑफर दिया। इस ऑफर के लिए वो तैयार नहीं थी, उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए ऑफर के लिए हाँ कह दी थी। इसके बाद उनके जीवन में नए सफर की शुरुआत हो गई थी। आपको भी याद रखना है कि कभी भी किसी भी अवसर को जाने नहीं देना है। अगर आपका भी कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, फिर उसके ऊपर काम शुरू कर दें, लेकिन फैसला लेने में देर ना करें। अगर आपको पूरी दुनिया घूमनी है तो सबसे पहले किसी एक शहर को घूमने की कोशिश करें। किसी भी काम के लिए पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार ना करें, बल्कि तुरंत काम शुरू करें। चैप्टर 8, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि उन्हें काम को परफेक्ट तरीके से सीखना है, तभी वो शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि वो लोग गलतियां करने से डरते हैं। उन्हें परफेक्ट नहीं बनना है, बल्कि उन्हें काम शुरू करने से डर लग रहा है। किसी भी स्किल को सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनने के नाम पर उस काम को शुरू ही ना करने में बुराई है। इसलिए हमारा ध्यान काम को शुरू करके सीखने में होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि गलतियां करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें जीवन में सफल होने के लिए गलतियों के साथ साथ पेशेंस की भी बहुत जरूरत है। उदाहरण के लिए फेमस राइटर एलिजाबेथ गिलबर्ट के जीवन को भी देख सकते हैं। उन्हें भी 3 किताबें लिखने के बाद ही असली पहचान मिली थी। इस सफलता को हासिल करने में उन्हें भी 10 सालों से ज्यादा का समय लग गया। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और इंसान गलतियों का पुतला है। चैप्टर 9,
रिफ्यूज टू बी रिफ्यूज्ड, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करें और दूसरों की बातों को आंख मूंद कर मानना बंद कर दें। अगर दूसरे आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएं, फिर भी आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसके लिए हमें लेमा रोबर्टा गोवी, जो कि अफ्रीका की पीस एक्टिविस्ट थी, उनकी लाइफ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अफ्रीका में शांति लाने के लिए कई सालों तक संघर्ष किया था। कई बार इन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में इन्हें सफलता मिल गई। कई बार हमें सफल होने के लिए विफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में केवल इसी वजह से संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो लोग काम के शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। कई लोगों के मन में डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आपको इन बातों से ध्यान हटाकर केवल अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। अगर अपने काम को करने के लिए मोटिवेशन यानी मनोबल की जरूरत है, तो फिर ऐसे लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी फील्ड में सफलता पाई हो, या फिर ऐसे लोगों को भी याद कर सकते हैं जिनको आपके कामयाब होने से बहुत खुशी होगी। याद रखें कि आप इस दुनिया में सबसे खुश नहीं रह सकते, इसलिए अपने लक्ष्य को खुश रखने की कोशिश करें। इसलिए हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे मनोबल को तोड़ती हों। चैप्टर 10, द वर्ल्ड नीड्स योर स्पेशल गिफ्ट। काम का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका महत्व आपसे ज्यादा नहीं है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। याद रखें कि आपकी दुनिया में आप बहुत स्पेशल होने चाहिए। खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। जीवन बहुत लंबा नहीं है, हर एक दिन हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। इसलिए जीवन का सफर खत्म होने से पहले ही अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना सबका हक है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मेहनत जारी रखें और खुद का ख्याल रखें, दुनिया को आपकी जरूरत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। किसी भी सिचुएशन का सामना करने की आदत डालें, जीवन को दिल से जिएं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिमागी तौर पर पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करें, लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जो बातें आपका मनोबल मजबूत करती हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें। गलतियां करने से डरे नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। सपने देखें और उन्हें पूरा करें। सफल लोगों के बारे में पढ़ें और सुनें। दूसरों की बातों से खुद की काबिलियत पर शक ना करें। कामयाब इंसान बनने की कोशिश करें, काबिलियत के ऊपर काम करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको Everything is Figuratable बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।